लीजिए। ये चिन्हट थाना क्षेत्र के रहने वाले ओम प्रकाश श्रीवास्तव है, गणेशपुर रहमान के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 5 नवंबर को एक थाना चरण में एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि इनके घर में चोरी की घटना कारित हो गई है और कुछ सामान इनका चला गया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना चरण में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। एसओ चिन्हट के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया था, जिसमें क्राइम टीम 4 जोन को भी लगाया गया था। मौके से हमें कुछ सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए थे, जिसमें एक दो संदिग्ध दिख रहे थे। उन फुटेजेस के आधार पर उनको फॉलोअप किया गया और मैनुअल डेवलपमेंट करके उनकी पहचान करी गई, जिस क्रम में आज 3 लोगों की हमारे द्वारा गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम क्रमशः रहमान पुत्र मोहम्मद सईद, निवासी मोहल्ला सफी नगर, कस्बा रुदौली, जनपद अयोध्या, हाल पता छुरिया माता मंदिर चिन्हट के पास के हैं। अल्ताफ पुत्र कल्लू, ये भी सफी नगर रुदौली के रहने वाले हैं, हाल पता छुरिया माता मंदिर पास चिन्हट। और तीसरा नौशाद उर्फ गोल्डन पुत्र वहीद, निवासी किंतुर थाना बदोसराय, जनपद बाराबंकी, ये भी हाल पता इनका सतीरिक रोड थाना चिन्हट में है। इनसे पूछताछ करी गई तो इसमें ये तथ्य जानकारी में आए कि जो रहमान और अल्ताफ हैं, ये दोनों सगे भाई हैं और इन पे पहले भी चोरी और नकबजनी के कई मुकदमे लिखे हुए हैं। जो नौशाद है वो यही कस्बे में इनके साथ रहता है, वहीं से इनका आपस में परिचय हुआ है। इसमें नौशाद द्वारा इस घर की रेकी करी गई थी और रेकी करके ये चिन्हित किया गया था कि इस घर में लोग नहीं है और इसमें घटना कारित करी जा सकती है। बाकी दोनों रहमान और अल्ताफ द्वारा घर में प्रवेश करके चोरी की घटना कारित करी गई थी। जो इसमें रहमान है ये रुदौली का HSB है और इस पे 14 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें एक गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा है। जो अल्ताफ 18 मुकदमे हैं, जो अल्ताफ है उस पे 6 मुकदमे हैं, इस पे भी एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है जो जनपद अयोध्या में। नौशाद का ये पहला मुकदमा है जो अभी जानकारी में आया है, बाकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करी जाएगी। इनके पास से हमें 4 पीली धातु के कंगन, 2 गले के हार, 2 पीली धातु की चेन, 4 अंगूठी, 6 कान के टॉप्स, 4 बाली, 1 नथुनी, 1 नथ और 1 मांगटी का पीली धातु का मिला है। अभी इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, विवेचना प्रचलित है। रेकी कैसे करते थे लोग? ये घूम घूम के रेकी करते थे वहाँ पे, नॉर्मल सिविलियन बन के ये लोग, क्योंकि वहाँ पे लोकली कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इसमें कुछ लोग वहाँ पे फल का ठेला लगाते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है, तो लोकेलिटी की इन्हें काफी जानकारी रहती थी। आसपास में पूछ के पता कर लेते थे कि इस घर में लोग रह रहे हैं, किसमें नहीं रह रहे हैं, इस आधार पर घर को चिन्हित कर लेते थे। सर, ये लोग जो किराए पर रहते थे, क्या सत्यापन इनका हुआ था, किस तरह से लोग रह रहे हैं? इसमें अभी जांच करी जा रही है कि क्या इनका सत्यापन वहाँ पे हुआ था कि नहीं, वहाँ पे मकान मालिक से भी पूछताछ करी जाएगी कब से रह रहे थे। जनरली ये लोग रेगुलरली मूव करते रहते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं रहते हैं, तो वो चीज मुश्किल, क्योंकि मकान मालिक भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कई बार और ये निकल जाते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग इधर उधर हो गए थे, कोशिश कर रहे थे सामान को बेचने की, ग्राहक ढूंढ रहे थे, सोनार ढूंढ रहे थे जिससे बेच सके। उससे पहले टीम ने इन्हें चिन्हित करके गिरफ्तार किया। पहले भी चोरियां की उन्होंने और क्या ज्वेलरी किसी सोनार को बेची थी पहले उन्होंने? अभी इस क्रम में जांच चल रही है, विवेचना में अगर कोई ऐसा तथ्य आएगा तो उससे अवगत कराएगा। 1.5 लाख रूपये की चोरी हुई थी, क्या वो भी बरामद हुआ है? अब उस पर जांच हो रही है, उस पर इनका कहना है कि ये लोग जुए में हार गए हैं वो पैसा, इन्होंने जुआ खेल लिया था, उस पर जानकारी कर रहे हैं कहाँ जुआ खेला था, किससे जुआ खेला था और कहाँ पे पैसा हारे हैं, उस पर भी जांच। गैंग कब से सक्रिय है राजधानी में और कब से रह रहा? ये राजधानी में तो अभी ज्यादा दिन से सक्रिय नहीं है, कुछ दिन पहले ही आए हैं। ये भी इनका बाराबंकी में है, इनका वहीं पर एक्टिविटी रहती है और क्योंकि बॉर्डर एरिया लगता है तो ये वहाँ से आके कई बार चले जाते हैं। बाकी चीजों पे अभी जांच चल रही है। और इनके सदस्य गैंग के सदस्य अभी इसमें, जैसा कि मैंने बताया, इन 2 लोगों पे इसमें ऑलरेडी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, तो उन गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में कौन कौन लोग थे और वर्तमान में उनकी स्थिति कहाँ पे क्या है, उस पर भी जांच चल रही है। टीम के लिए क्या है इस टीम ने? मेरी तरफ से इस पर टीम को 15,000 रूपये देंगे।